Who gave birth to Maya and Kal? I mean, how they are originated and what is the difference between them? काल जो है, जो भी चीज जन्मता है उसको काल का स्पर्श हो जाता है, यानी कि जो जन्मा है वो मरेगा। और जो शिव तत्व जिसको हम कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, जिसको आत्मा कहो, शिव कहो, नारायण कहो, जिसका जन्म नहीं उठा है, रहने वाला है, वही महाकाल है जो टाइम से परे। इसलिए जो चैतन्य है ना जन्मता है ना मरता है, लेकिन शरीर जरूर। इसको काल का मतलब होता है जो मुख, यानी कि जन्मा है तो दो छोर है, और माया क्या है? है नहीं, दिखता है। क्या नहीं है? सेब को तुम ऐसे सामने रखो, सेब तो है, लगता है, लेकिन धीरे धीरे देखोगे सेब खाओगे ना डिग्रेड हो जाएगा, सेब की तरह नहीं रह सकता, कीड़े पड़ जाएंगे। और तुमने सेब खा लिया तो सेब अभी भी सेब नहीं है, तुम जैसे बन जाए, और तुम भी वैसे रहने वाले नहीं, क्योंकि तुम बच्चे थे, फिर जवान हो गए, बूढ़े हो जाओगे, तुम भी गायब हो जाएंगे। माया बदलती ही रहती है, टिकती नहीं। Whatever is changing and whatever is measurable, it is called Maya. और सारा धुंध क्या है मनुष्य का? जो बदल रहा है उसको रोकना चाहता है, धन से रोकना चाहता है, पोजीशन से, उसको डर लगता है, क्योंकि बदलने वाला है, मिटने वाला है, और जितने उसको बचाने जाता है उतना चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि उससे होने वाला तो नहीं है, बचने वाला तो है ना। कोई संबंध ठीक ठीक बच पाता है, ना प्रेम बच पाता है, ना धन बच पाता है, ना तुम्हारा स्वास्थ्य बच पाता है, कुछ भी नहीं बचता है। जो आया है वो छूटेगा, इसलिए जो आया हो गया वो जाएगा, लेकिन जो है, तुम्हारे जन्म से पहले भी था, अब भी है, बचपन में भी था, जवानी में भी, जो बदल ही नहीं रहा है उसको पहचान लेना। सत्य साधो ये मुर्दन काला, साधो क्या है, ये मुर्दों का गांव है। संत मरे, साधु मरे, राजा मरे, मर मरे सब जाए। कबीर जी कह रहे हैं कि भाई राजा मरे, संत मरे, प्रजा मरे, सब मर मर जाए, साधु ये मुर्दन का गांव है। अब बताओ, हजारों करोड़ों अरबों खालों अनंत काल से लोग जन्म रहे, मर रहे, जहां कदम रख रहे हैं कहीं ना कहीं, कभी कर कभी या तो कोई जला है ना, या तो कोई है उधर, मतलब पैसा है नहीं, ये सच है कि नहीं बोली? तो इसलिए उसको माया कहते हैं, जो बदल रहा है। तो ऐसे माया के बारे में एक एग्जांपल है आदिगुरु शंकराचार्य। तो शंकराचार्य माया माया बोलते, तो एक राजा ने सोचा, एक हाथी को उन्होंने मद पिलाया, मद यानी कि उसको नशा कराया, शराब, और शंकराचार्य जिस रास्ते से जा रहे थे उनके पीछे छोड़ दिया हाथी, और शंकराचार्य भागने लगे। तो राजा ने कहा, शंकराचार्य जी कहाँ भाग रहे, वो पीछे जो आ रहा है वो माया है, माया माया फिलोसफी बताते थे, अब हाथी को शराब पिला के पीछे छोड़े तो भाग रहे हो, हाथी माया है, पीछे कहाँ भाग रहे शंकराचार्य? तो शंकराचार्य ने आवाज देके कहा, हमारा भागना भी माया है, चिंता मत करो।